हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगस्त सितंबर में घूमे जाने वाले स्थानों के बारे में। अगस्त और सितंबर का महीना साल का ऐसा महीना होता है जिसमें मानसून अच्छा सा होता है। इस समय वाटरफॉल, झरने और नदियों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। नंबर 5, चिकमंगलूर। चिकमंगलूर भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला और शानदार टूरिस्ट प्लेस है। इसे कॉफी लैंड ऑफ कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है। चिकमंगलूर कर्नाटक के मुलायनगिरी पहाड़ी की तलहट्टी में स्थित है। चिकमंगलूर में हरे भरे पहाड़, सुरम्य में ट्रैकिंग, आकर्षित झरने और रहस्यमय मंदिर देखने को मिलते हैं। नंबर 4, लोनावला। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में बसा यह सुरम्य स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता को मंत्रमुग्ध कर देती है। अपनी हरी भरी घाटियों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और गिरते झरने के लिए लोनावला बरसात के मौसम में स्वर्ग बन जाता है। मानसून के दौरान यहाँ का मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर राजस्थान के कई लोकप्रिय किलों, स्थानों, झीलों और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह शहर नीले घरों, मंदिर और मिठाइयों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। नंबर 2, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है, जो हमेशा अपने खूबसूरत परिदृश्य और बर्फ से भरे पहाड़ों की वजह से पर्यटकों की पहली पसंद रही है। भारत का यह राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नंबर 1, शिलोंग। समुद्र तल से 1491 मीटर के ऊंचाई पर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी और एक फेमस हिल स्टेशन है। शिलोंग हिल स्टेशन को बादलों का निवास और अपने रमणीय पहाड़ियों के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। वेल दोस्तों, ये तो थी अगस्त सितंबर में घूमे जाने वाले स्थानों के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।